हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग टू। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइट सिलेक्शन ऑफ एयरपोर्ट एंड बेसिक रनवे लेंथ। तो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि एयरपोर्ट का जो साइट सिलेक्शन करना पड़ता है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हम लोग को ध्यान में रखने पड़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करने पड़ते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एयरपोर्ट का, वो हम लोग हमेशा चेक कर लेते हैं कि हमारा जो जो जिस एरिया में हम लोग को एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करना है तो वो सारी चीज़ें हैं या नहीं। मतलब कि एयर ट्रैफिक पोटेंशियल, कि वहाँ पे कितना एयर ट्रैफिक आ सकता है, पैसेंजर का जो है मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना फ्राइट ट्रैफिक आ सकता है। नेक्स्ट है एडिक्वेट एक्सेस आसपास, उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास पहले से कोई ट्रैफिक सिस्टम है या नहीं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं। नेक्स्ट है सफिशेंट एयर स्पेस फॉर सेटलिंग, मतलब कि उसके आसपास कोई अवस्था किस तरह का, कोई एयरपोर्ट तो नहीं जिस वजह से सर्कलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। नेक्स्ट है सफिशियंट लैंड फॉर वेरियस फैसिलिटी, टर्मिनल, बिल्डिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम, ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे के फर्दर जो है प्रोसेस है उसको ध्यान में रख के आगे स्टडी करते हैं। तो जो हमारा अदर जो कंसिडरेशन है जिसको हम लोग ध्यान में रख के साइट सेलेक्ट करते हैं, वो है आपका एटमोस्फेरिक कंडीशन, आपका लैंड अवेलेबिलिटी और यूटिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरिया, इकोनॉमिक ऑफ कंस्ट्रक्शन, ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ अदर एयरपोर्ट, रीजनल प्लान, सोयल कैरेक्टरिस्टिक्स, सराउंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन, टोपोग्राफी एंड यूज ऑफ एयरपोर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका एटमोस्फेरिक एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, मतलब कि जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जो जो एयरक्राफ्ट के जो ऑपरेशन होंगे, टेक ऑफ ऑपरेशन, लैंडिंग ऑपरेशन, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो विजिबिलिटी कितनी है, आप जो पायलट है वो कॉकपिट से वो कितने जो है पार्ट्स को देख पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है आपका लैंडिंग एंड टेक ऑफ को, जिसकी वजह से आप कोई एक्सीडेंट ना हो या सेफली जो सारे ऑप्शन ऑपरेशंस हो सकें। तो विजिबिलिटी की जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो होता है फॉग, किस तरह का धुंध हो या किस तरह के स्मोक्स है वहाँ पे, या फिर बारिश की वजह से कुछ हेजी जैसा सिचुएशन हो, या फिर विंड की वजह से कुछ अफेक्ट हो, जो मतलब कि विंड का डायरेक्शन ऐसा हो जाए, कभी कभी अचानक चेंज हो जाए जिसकी वजह से आपके लैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। डेवलपमेंट ऑफ एरिया, वहाँ पे इतना इंडस्ट्री है कि वहाँ के इंडस्ट्री के स्मोक से पूरा विजिबिलिटी अभी कम हो जाती है। कॉजेज रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी एंड हेंस इन कैपेबिलिटी हैंडलिंग, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, कितना आप फ्रीक्वेंसी में आप एयर आपका ऑपरेशन करवा सकते हैं, उसमें कमी आएगी और आपकी हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी कमी आएगी। तो आपको उसके लिए विंड के बारे में आपको स्टडी करना चाहिए कि आप विंड का डायरेक्शन क्या है और इंटेंसिटी क्या है। एसोसिएटेड टॉपोग्राफिकल फीचर्स जो हैं आपके आसपास जो फीचर्स हैं, हिल वैली, इसको भी स्टडी करना पड़ेगा कि आपके हिल्स और वैली वजह से कुछ किसी तरह का डिस्टर्बेंस तो क्रिएट नहीं हो रहा है विंड का। विंडवर्ड लीवर्ड साइड, मतलब कि आपके जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है उसमें विंडवर्ड आपका कितना आपका मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि आपका जो रनवे है उसमें आप टेक ऑफ कर रहे हैं तो उसमें आप कितना आपका जो विंड है आपके रनवे के अलोंग फ्लो हो रहा है, और कितना आपके लीवर मतलब कि विंड के मतलब दूसरे डायरेक्शन में आपका ब्लो हो रहा है रनवे के, ये आपको चेक करना पड़ेगा। लोकेटिंग डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एयरपोर्ट, तो आपका जो डेवलपमेंट एरिया है उसके आसपास उसको भी आपको एयरपोर्ट के रिस्पेक्ट में आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग का है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर एक्सपेंशन, तो जो आपका एयरपोर्ट एरिया आप जो साइट सेलेक्ट करने वाले हैं तो वो फ्यूचर प्रिडिक्शन ऑफ एयर ट्रैफिक, मतलब कि एयर ट्रैफिक कितना आने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो आप फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे उसके लिए आपका अवेलेबल स्पेस है या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि पटना एयरपोर्ट है, तो यह पटना एयरपोर्ट के पास पास इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है कि आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसलिए पटना एयरपोर्ट को आगे हम लोग फर्दर बीटा में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। बीटा में प्लानिंग हो रही है, उसका काम भी चल रहा है, ठीक है। इस तरह आपके जो एयरपोर्ट है उसके आसपास की लैंड अवेलेबिलिटी पहले से चेक कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है लॉ एंड कॉस्ट एट लेटर स्टेज, तो लैंड कॉस्ट कहीं आगे बढ़ना जाए बाद में चल के आपके आसपास की जो है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एट लेटर स्टेज, कि अगर आप चाहते हैं कि बाद में एक्सपेंड करना चाहते हैं तो लैंड की अवेलेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ मतलब कुछ चीज प्रॉब्लम आ जाए, वो सबको ध्यान में रख के ही हम लोग साइट सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, तो जो आपका एयरपोर्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर ऑपरेशन मोड में आने के लिए आपको जो यूटिलिटी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, उसको भी ध्यान रख के हमको ध्यान देना पड़ता है कि वहाँ पे वाटर की क्वालिटी कैसी है,
वहाँ पे कोई पावर प्लांट है या नहीं, या पावर प्लांट आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर सीवरेज सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन वहाँ पे कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरिया। तो जो आपका एयरपोर्ट है वो उसके आसपास कैसा सराउंडिंग एरिया है, रेजिडेंशियल या सेंसिटिव एरिया है, जिसकी वजह से मतलब एयरपोर्ट की वजह से उसको इफेक्ट कर सकता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसकी वजह से। हाइट ऑफ डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उसकी हाइट क्या है, या फिर टोपोग्राफी की हाइट कैसी है, जोनिंग लॉ आपको वहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, वहाँ नॉइज पोल्यूशन हो सकती है उस एयरपोर्ट की वजह से, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मूवमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, तो जो आपका जो सिटी है, सिटी से जो आपका एयरपोर्ट पोल्यूशन हो रहा है उसका मूवमेंट आपके एयरपोर्ट पे तो नहीं आ रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद है बर्ड्स और बर्ड्स एंड हीट एंड इंजन। तो बर्ड्स जो है आपके हीट कर सकते हैं इंजन को, तो बर्ड्स का मूवमेंट कैसा है वहाँ पे वो भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जो आप जो किसी सिटी के आसपास जो एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए आपकी इकोनॉमी कितनी सही है वो आपको चेक करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करने में आपको ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आ रहा है, मतलब कि अल्टरनेट साइट को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, आसपास की कौन कौन सी साइट आपकी बेटर होगी आपको चेक करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, टेरेन इवेंट है या नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि अनरिलेटेड तो नहीं है, प्रॉब्लमेटिक एरिया जैसे लाइक वाटर लॉगिंग एरिया या रिक्लेम्ड एरिया तो नहीं है कहीं पे। वाटर लॉगिंग एरिया मतलब पहले से बहुत ज़्यादा पानी वहाँ जहाँ लगता हो बारिश की वजह से, या फिर कोई बारिश जो कोई आपका रिवर या किस तरह का कभी लेक रहा हो उसको आपको सॉइल फिलिंग करके एरिया कन्वर्ट किया गया हो, तो बाद में चल के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसको भी ध्यान में रख के हम लोग ये स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी, ट्रेवल टाइम इन एयर वर्सेज ऑन ग्राउंड। मतलब कि जो एयरपोर्ट है उसको आप जो एक्सेस करना चाहते हैं सिटी से, तो वो आपको कितना टाइम लग रहा है एयरपोर्ट पहुंचने में वो ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब कि आसपास के सिटी से आपको पहुंचने में टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा ज़्यादा, और आपको लैंड से आप बहुत कम टाइम में कहीं पहुंच जा रहे हैं, तो ये आपके जो उस तरह का एयरपोर्ट आप में एयर ट्रैफिक बहुत कम आ पाएगा। मतलब कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी जो ट्रैवल टाइम है जो एयर में है और ग्राउंड में है उसका क्या रेशियो है। इजीली अप्रोचेबल यूजिंग ऑल मोड्स, जो एयरपोर्ट है वो सारे मोड से रेल मेट्रो बसेस सबसे आपको इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी टू द एरिया ऑफ ट्रिप जनरेशन, ऐसे लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ से जहाँ पे लोग ज़्यादा वहाँ एयर ट्रैफिक में एयर ट्रैवल करने की कोशिश करते हों। फैसिलिटी फॉर प्राइवेट व्हीकल्स यूजर, ऐसा होगा कि जहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स भी आप पार कर सकें। इफिशियंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ के सिस्टम आसपास के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी इफिशियंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेजेस ऑफ अदर एयरपोर्ट का। तो जो अदर एयरपोर्ट्स है उसके आसपास, जैसे कि आपका पटना सिटी हो गया, फिर गया सिटी हो गया, गया में भी अगर एयरपोर्ट है पटना में भी एयरपोर्ट है, तो पटना की वजह से ये गया में क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी स्टडी करना पड़ता है। मतलब कि आप पटना गया के अलावा कहीं और एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो आप अगर वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसके एयरपोर्ट की वजह से पटना और गया पर कुछ इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, या फिर क्या पता सारे जो एयर ट्रैफिक है जो भी पैसेंजर्स है वो पटना गया से ही वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो सारी स्टडी करनी पड़ेगी। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है आपकी, सर्किंग रेडियस से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट इन डिफरेंट एयरपोर्ट, दोनों एयरपोर्ट में किस तरह के एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट वहाँ पे पहुँच रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑपरेटिंग फैसिलिटी कैसी है आपकी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्लाइट रूल्स इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर कुछ डिजाइन अदर डिजाइन फ्लाइट रूल्स है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन रेडियाई, आपका जो सर्किंग रेडियस है उससे आपका कितना डिस्टेंस पे आप मूव कर रहे हैं, मे कॉज एक्सीडेंट एंड रिडक्शन इन कैपेसिटी। तो अगर आप नज़दीक में हैं तो आपका हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो जाए, या फिर आपकी जो कैपेसिटी है वो कम हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनल प्लान की। तो एयरपोर्ट साइट शुड बी सो दैट इट शुड बी फिट अप्रोप्रिएटली इन द रीजनल एयरपोर्ट नेटवर्क प्लान। तो मतलब कि जो किसी भी कंट्री का अपना जो है, कोई कंट्री है तो उसका अपना रीजनल नेटवर्क प्लान होता है, मतलब कि किसी लोकेशन से यहाँ से फ्लाइट उठता है स्टार्ट होता है कहीं और लोकेशन पहुँचता है, तो आपका जो एयरपोर्ट का लोकेशन ऐसे होना चाहिए ताकि वो उसी रूट में पड़े, अगर किसी और रूट में पड़ेगा तो आपको बार बार घूम के जाना पड़ेगा, तो वो उस तरह के जो साइट को हम सेट करते हैं जो कि आपके नेटवर्क सिस्टम में प्रॉपर बैठे, मतलब कि प्रॉपर वहाँ पे ट्रैफिक आ सके। नेक्स्ट है आपका सोइल कैरेक्टरिस्टिक। तो उस रीजन का जो है जो आप साइट सेलेक्ट करने वाले हैं
उस रीजन का सॉयल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी स्टडी करना पड़ेगा, कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉयल सबग्रेड क्या है, सॉयल का ड्रेनेज कैपेबिलिटी कैसी है, लेवल ऑफ वाटर लेवल वहाँ पे कैसी है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसके स्ट्रेंथ पर, सब सॉयल ड्रेनेज इफेक्ट कैसा है वहाँ पे, वैली साइड में है फ्लडिंग तो वैली साइड में फ्लडिंग है या नहीं है, सॉयल विथ गुड अमाउंट ऑफ परवियस मटेरियल, सॉयल में परवियस मटेरियल है या नहीं है, लाइक सैंड ग्रेवल जो है तो बेहतर रहता है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सराउंडिंग ऑफ, तो हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि आपका जो है जो एयरपोर्ट एरिया है उसके आसपास कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, मतलब क्लियर एयर स्पेस है या नहीं टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए, है की बिल्डिंग जो है वो अलाउड है मतलब वो अलाउड नहीं होती है तो वहाँ पे है या नहीं है वो चेक करेंगे हम लोग। हाई ट्री और क्लियर ऑफ इतना अगर हाई ट्री है तो उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, जॉइनिंग लो और मेड टू टेक केयर, तो फर्दर आपको जॉइनिंग लो बनाना पड़ेगा कि उस रीजन में इस एयरपोर्ट के जो फर्दर आगे रेडियस में है उस रीजन में आपका जो बिल्डिंग का हाइट है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका टोपोग्राफी, टोपोग्राफी है मतलब टोपोग्राफिकल फीचर्स लाइक ग्राउंड कंटूर, ट्री, स्ट्रीम्स आर लोकेशन आर स्टडीड, मतलब कि वहाँ का जो कंट्रोल सिस्टम है जो वहाँ कितने एरिया में ट्री है, शेडेड एरिया है, यहाँ पे स्ट्रीम है तो स्ट्रीम का लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब कि आपको फर्दर ग्राउंड कंट्रोल से वजह से ही आप आगे फर्दर आपका रनवे लेंथ को आप लेवल कर पाएंगे, फर्दर आप ट्री है तो ट्रैक का कितना ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है वो आप देख पाएंगे, स्ट्रीम्स है तो स्ट्रीम्स की वजह से कुछ बाद में फ्लडिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है वो आपको देखना पड़ेगा। जनरली हिल टॉप विथ लेवल ग्राउंड इज कंसिडर्ड आइडियल साइट फॉर एन एयरपोर्ट बिकॉज ऑफ बेटर विजिबिलिटी एंड नेचुरल ड्रेनेज एंड लेस ऑब्स्ट्रक्शन इन अप्रोच एंड टर्निंग जोन। तो अगर आपका कोई हिल टॉप है, कुछ हिल एरिया है, उसमें अगर हिल टॉप में लेवल मिलता है आपको एरिया तो वो आपका बेस्ट होता है क्योंकि आप उसमें बेटर विजिबिलिटी मिलेगी आपको, आपको एयरक्राफ्ट में आप इजिली आप चेक देख पाएंगे कि वहाँ पे क्लियर है या नहीं है, आपका कोई नेचुरल ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं जाएगा, अपने आप ड्रेन हो सकता है वाटर रूम पे, ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम होगा और टर्निंग जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर हिल एरिया रहेगा आपका टॉप हिल टॉप एरिया और लेवल एरिया तो वो सबसे बेस्ट होता है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि आपका कि एयरपोर्ट का इस्तेमाल क्या है, अगर वो सिविल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या मिलिट्री के लिए। नेक्स्ट है कि अडेप्टेबिलिटी फॉर द अदर यूजेज ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो अगर आपका सिविल एयरपोर्ट है तो उसको भी हम चाहें तो मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल कर सके, या मिलिट्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी फ्यूचर में आपको सिविल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सके, तो ऐसी हमारा ऐसा साइट हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेसिक रनवे लेंथ, तो ये भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके रनवे लेंथ को कैसे करेक्ट करते हैं। जो रनवे लेंथ है वो डिपेंड करता है आपका कि एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब कि वो एयरक्राफ्ट है वो कितना डिस्टेंस में वो टेकअप कर सकता है या लैंडिंग कर सकता है। तो टेकअप लैंडिंग करना हो तो एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी होती है, तो हम लोग जब रनवे लेंथ डिसाइड करते हैं तो डिसाइड करने से पहले वो देखते हैं कि आपका नॉर्मल लैंडिंग में नॉर्मल सिचुएशन में जब लैंडिंग करते हैं तो वो कितना डिस्टेंस है, नॉर्मल सिचुएशन में अगर टेकऑफ करते हैं तब वो कितना डिस्टेंस रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट है कि अगर आप एयरक्राफ्ट को टेकऑफ कर रहे हैं और इमरजेंसी वजह से आप उसको कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उसको आप स्टॉप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो जस्ट टेकऑफ कर रहा है फिर आप चाहते हैं कि आप रुकना चाहते हैं तो रुकने के रुकते भी हैं उसी डिस्टेंस में, तो उतने के लिए आपको कितना डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, ये सारे मेन जो तीन फैक्टर्स है तीन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करते हैं रनवे लेंथ कितना होना चाहिए। अब जो रनवे लेंथ है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग इससे डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन जो आपका एयरपोर्ट है वो किस लोकेशन पे है वो डिपेंड करता है कि आपको फर्दर जो है रनवे लेंथ आपको इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कि आपका अगर जो बेसिक रनवे लेंथ हम इससे निकालते हैं तो बेसिक रनवे लेंथ का जो क्राइटेरिया है वो ये सब है, मतलब नो विंड इज ब्लोइंग ऑन द रनवे, तो अगर विंड कोई ब्लो नहीं हो रहा हो रनवे पे तो ये आपका बेसिक रनवे लेंथ सफिशियंट है। द एयरक्राफ्ट इज लोडेड टू इट्स फुल लोडिंग कैपेसिटी, तो फुल लोडिंग कैपेसिटी में जो आपका रनवे लेंथ चाहिए वो होता है बेसिक रनवे लेंथ, क्योंकि हम लोग इससे निकालते हैं। द एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट सी लेवल, अगर सी लेवल पे है तो जो आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसमें आप टेक ऑफ कर रहे हैं लैंडिंग कर रहे हैं तो वो आपका बेसिक रनवे लेंथ होता है।
देयर इज नो विंड ब्लोइंग ऑन द वे टू द डेस्टिनेशन। तो आपके जो जहाँ से आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से आपका मतलब कि एयरपोर्ट जो एयरक्राफ्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर पहुँच रहा है जो डेस्टिनेशन है, वो दोनों के बीच में ओरिजिन डेस्टिनेशन के बीच में कोई विंड ब्लो नहीं होना चाहिए। द रनवे इज लेवल इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑन अदर वर्क देर इट हैज जियो इफेक्टिव ग्रेडियंट। कोई भी ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए रनवे लेंथ में। तो लॉन्गर डिस्टेंस में बिना ग्रेडियंट के लैंड मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो आपका है अगर लेवल है तो आपका वो बेसिक रनवे लेंथ हम लोग कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज मेंटेन अलॉन्ग द रेलवे, मतलब कि टेम्परेचर भी मेंटेन रहना चाहिए। और स्टैंड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है एट द एयरपोर्ट। ये सारे कंडीशन होगा तो जो रनवे लेंथ होगा उसको कहेंगे हम बेसिक रनवे लेंथ, और वो हम लोग का इससे निकालते हैं। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में कभी इतना कभी ऐसा फुलफिल हो ही नहीं पाएगा आपको कि आपका सी लेवल पे हो और कोई विंड ब्लो नहीं हो रहा हो, तो एक्चुअल सिनेरियो में कहीं पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो इसी वजह से हम लोग रनवे लेंथ को और इंक्रीज करते हैं ताकि हम लोग जो एयरक्राफ्ट है वो इजीली टेक ऑफ कर सके, लैंड कर सके सेफली। तो वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि हम लोग कैसे रनवे लेंथ को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। ठीक है।